तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु।
अलैहि जलील में यीशु का पहला मौजज़ा अपने पापे आज़म कार्डिनल्स उसका साहिबान और तमाम कायनों के लिए कि खुदा बाप सबको सेहत याबी अता करें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। Amen.
मरियम पुरफसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक
हम खसूसी तौर पर रेवरेंड फादर तारिक रहमत और रेवरेंड फादर शहजाद पीटर की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए पढ़ेंगे। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ मालिक सलाकी, हमारे वास्ते दुआ कर।
शहादत हमारे वास्ते दुआ कर, दरवाजे बहिश्त के हमारे वास्ते दुआ कर, सितारे सुबह के हमारे वास्ते दुआ कर, शिफा बीमारों की हमारे वास्ते दुआ कर, पना गुनागारों की हमारे वास्ते दुआ कर, तसल्ली दलगीरों की हमारे वास्ते दुआ कर, मदद मसीहों की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका फरिश्तों की हमारे वास्ते दुआ कर, पैगम्बरों की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका हवारियों की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका शहीदों की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका रियासतों की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका कवारियों की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका सब औलियाओं की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका सब बच्चों की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका जो बेदाग हमल में ली गई हमारे वास्ते दुआ कर, जो आसमान पर उठाई गई हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका अक्दस रोजरी की हमारे वास्ते दुआ कर, मलिका सुला की हमारे वास्ते दुआ कर, खुदा के बड़े तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हमको बचाए खुदावंद, खुदा के बड़े तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर खुदावंद, खुदा के बड़े तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर खुदा की पाक वालदा हमारे वास्ते दुआ कर, ताकि हम मसीह के बातों के लायक बन जाएं, दुआ याद रख, याद रख है निहायत करीम तुम्हारी मरियम, कभी नहीं सुना गया कि कोई भी जो आकर तेरी हिफाजत में आया हो, जिसने तेरी मदद के दरख्वास्त की और तेरी सिफारिश रद्द की वो बगैर मदद पाए रह गया हो, इसी चीज से उसका पाक कर, ऐ तुम्हारी भी कमाली और मेरी माँ, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं अपने गुनाहों में दबी और गंगे तेरे सामने खड़ी हूँ, मुझसे करने की वालदा मेरे कर्जों को हकीर ना जान, मगर अपने हम से मेरी दुआ सुन और कबूल कर, आमीन। हमारी इस खास रोजरी का मकसद काहिनों के लिए खास दुआ करना है। फादर शहजाद पीटर हमारी रहनुमाई करेंगे, जिसमें वो पापा आजम बेनेडिक्ट सोलवे की लिखी गई दुआ काहिनों के लिए खास, काहिनों की पाकीज़गी के लिए उसमें हमारी रहनुमाई करेंगे। जिनको दुआ दी गई है मेहरबानी करके मेरे साथ ही पढ़ेंगे। पापा आजम पोप बेनेडिक्ट सोलवे के लिए, सोलवे की काहिनों के लिए दुआ। ऐ खुदावंद यीशु मसीह असली और अबदी काहिन आजम, तूने अपने आप को सलीबी अल्तार पर अपने बाप की नजर किया और फिर रूह कदुस के नजूल से तूने अपने काहिनों को अपनी इस निजात बख्श कुर्बानी में हिस्सादार ठहराया। मैं उन्हीं काहिनों के पाकीज़गी के लिए तुझसे दुआ करूं, ऐ कायनात के खाली को मालिक, मंजूर फरमा के वो सब जिन्हें तूने कहानत के मुकद्दस फराइज सौंपे हैं ज्यादा से ज्यादातर तेरी पैरवी करें, नीज अपने पुरखलूस दिल और शिफाफ जमीर से तेरी तालीमात का प्रचार करें। मेरी दुआ कबूल कर कि ये तेरे चुनीदा बच्चे तेरी ऐन मर्जी के मुताबिक तेरे गले की गल्लाबानी करें और कलीसिया में बरगजीदा सादा और मुसर्रत पक्ष जिंदगी की मिसाल बन जाए। ऐ खुदावंद अपनी वालदा मुकद्दसा मरियम, जो मेरी और सब काहिनों की भी रूहानी माँ है, उसकी दुआओं की बदौलत तमाम काहिनों और उन तमाम लोगों को जो इन काहिनों की गल्लाबानी में दिए गए हैं मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में दाखिल कर, जहाँ तू अपने बाप और रूह कदुस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फादर तारिक और फादर शहजाद का कि उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल किया कि ये मोमबत्ती उनके पैरिश में पहुँचे, ताकि ये पैरिश भी तमाम मोमिनीन के साथ मिलकर काहिनों को उनकी पाकीज़गी के लिए रूहानी और जिस्मानी दोनों में
ताकि उन्हें तकवीयत मिले, उस सिलसिले को जारी रख सकें, उसमें हिस्सा ले सकें। और उन्होंने इसका आगाज़ भी किया और हमें वेलकम भी कहा कि हम यहाँ तक अभी इस सिलसिले को रखें आपके सामने। तो बहुत बहुत शुक्रिया फादर तारिक और फादर शहजाद। खुदावंद आपके साथ, आपके साथ भी हो। बाप और बेटे और कुछ की बरकत हम सब पर नाज़िल हो। आमीन।